गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स जो हमने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे उनका एनर्जी मीन्स किस तरह से यूज करते हैं तो किस तरह हमारे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है वो चीज़ देखेंगे। अब हमने देखा होगा कि धीरे धीरे अपने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मीन्स धीरे धीरे जो है कंपनियां वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इससे इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा भाई, जो सोर्सेज हैं जैसे आजकल है। फिर दूसरा ये कि हमारी जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे हर एक घर में अगर हम देखें तो व्हीकल हैं वो नॉर्मली हर घर में मिल जाते हैं, तो इनसे क्या होती है पेट्रोल है डीजल है इनकी ज़्यादा खपत होगी और फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है अपने जो इंटरटेनमेंट के जो साधन हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे टीवी है लैपटॉप है फ़ोन है, तो इनसे भी क्या होती है धीरे धीरे मीन्स एक एक प्रकार से इन्वायर, क्योंकि ये जो टीवी है लैपटॉप है इनसे क्या होगी एनर्जी वेस्ट तो होती है, हम चार्जिंग करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही जो है मीन्स काफ़ी जो मॉडर्न अपनी जो हम खेती करते हैं आजकल जो है खेती की जाती है वो भी मॉडर्न तरीके से की जाती है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, जिससे क्या होती है मीन्स जो उनसे भी क्या होता है इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इनकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम्स, ठीक है, लग्जरी आइटम्स की डिमांड की वजह से भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीजिंग इन डिमांड फॉर इंटरटेनमेंट फैकल्टीज, ठीक है, और इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ वेरियस मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स यूज करते हैं इन सब से क्या होती है अपने इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अब जो हमने पढ़े थे दो तरह के, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये थे वो लिमिटेड फॉर्म में थे, मीन्स लिमिट में थे। अब इनके जो लिमिटेड फॉर्म में हैं तो धीरे धीरे ये ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है, अगर हम इनका ज़्यादा यूज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ये ख़त्म होते चले जाएंगे और फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए बचेंगे ही नहीं यूज करने के लिए, तो इसलिए हमें मीन सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कौन से हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड फॉर्म में है, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, ऐसा तो है नहीं भी एक दिन में बन गए, काफ़ी साल लग जाते हैं। वी नो दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर वेजिटेबल्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं लिमिटेड फॉर्म में हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिक्वायर्स मिलियंस ईयर टू गेट कन्वर्टेड इन टू फ्यूल, मीन्स इनको काफ़ी साल लग जाते हैं फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, और इनको जलने से जैसे मान लो हम जितने ज़्यादा व्हीकल यूज करते हैं उतने ही ज़्यादा पोल्यूशन भी बढ़ता है भाई, हम जो जितने जल्द से गाड़ियाँ यूज करेंगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन होगा क्योंकि पेट्रोल है डीजल है जब ये जलते हैं तो इनमें काफ़ी अमाउंट में, ठीक है, जो काफ़ी अमाउंट में जो है गैसेज निकलती हैं जिसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के अंदर कई बार आया कि मीन्स अब जो है पोल्यूशन कम हो गया है पिछले सालों की बजाय, वो इसीलिए हो गया क्योंकि पेट्रोल डीजल ये जलते हैं, तो इसीलिए आपने आजकल सुना भी होगा कि सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए गाड़ियों के अंदर ताकि पोल्यूशन कम हो, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, इनके जलने से क्या होता है मेन कारण क्या है एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी जिसके कारण से जो पोलर हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है आइस है पोलर रीजन, तो उनमें क्या होगी वो आइस है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होगी। तो मीन्स ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इससे काफ़ी जो है बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। द काज ग्लोबल वार्मिंग देयर फॉर नेसेसरी दैट यूज द फ्यूल्स ओनली वेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, तो इसीलिए हमें इन फ्यूल का, ठीक है, बहुत अगर जरूरी हो तभी यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें थोड़ी सी दूर जाना है तो भी हम बाइक लेके गए गाड़ी लेके गए, तो जितना पॉसिबल हो उसके कम यूज करना चाहिए, दिस विल बी बेटर इन्वायरमेंट, तो ये क्या होगा इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। सम टिप्स, अब कुछ टिप्स हैं मीन्स हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखने के लिए, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, जितना संभव हो उसके कॉन्स्टेंट
और मॉडरेट स्पीड पे हमें गाड़ी या जो भी व्हीकल चला रहे हैं वो चलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉडरेट स्पीड पे और कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलेगी तो कम पेट्रोल और डीजल खपत होगा, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक, जब ट्रैफिक लगा हो, जाम हो, तो वहां पे हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी यूज बाईसाइकिल, और अगर थोड़ी दूरी है तो या तो हमें पैदल चलना चाहिए या फिर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।